Hey everyone, welcome back once again to your very own channel that is Maths Zone with Pratyush, and finally we are back the new episode of Sunday Vani. So dekhte dekhte hamara 2022 khatam ho gaya and 2023 start ho gaya. So wishing you all a very happy new year, and pehle to main maafi चाहूँगा आप लोगों से क्योंकि बहुत दिन हो गया हमारा चैनल में वीडियो नहीं आया, बहुत सारा काम रह गया था बीच में, तो इसलिए और वीडियो में रेगुलर टाइम इंटरवल में पोस्ट नहीं कर पाया. फिर भी संडे वाणी हमारा 60th एपिसोड लास्ट एपिसोड था जो कि मैंने छोड़ा था. उसके बाद हमने संडे वाणी का सीरीज भी और कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट आज क्योंकि संडे भी है और आज स्पेशल दिन है, हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी है और न्यू ईयर का स्टार्टिंग भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज ये वाला संडे मिस नहीं होना चाहिए. तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, और ज़्यादा देरी ना करके हम डायरेक्टली वीडियो में आते हैं. एक छोटा सा वीडियो है मैंने बस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और लास्ट तक रहेंगे देखेंगे, और उसके बाद मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग के नियर एंड डियर के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे. तो जैसे आपको कैप्शन दिख ही रहा होगा कि रिजोल्यूशंस फॉर 2023 जो कि नॉर्मली हमारा हमेशा हम करते थे, करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे और बाकी सालों में भी करते आएंगे, कि एक हम पहला दिन का एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि ये साल हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. तो बस ये वाला छोटा सा एक वीडियो लेके मैं आया हूँ, आप लोग लास्ट तक देखिए और मुझे बताइए फिर कैसा लगा. तो डायरेक्ट हम वीडियो में आते हैं फिर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फिर जैसे कि आपको बताया कि हम पिछले साल भी बहुत सारा 2022 में रिजोल्यूशन लिए थे, बट बहुत सारा हमारा फिलअप हुआ, बहुत सारा फिलअप नहीं भी हुआ. तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो भी रिजोल्यूशन हम लेते हैं वो सबको फुलफिल करने के लिए. तो मैं आपको ऐसा कुछ रिजोल्यूशन बताने जाऊंगा जिसको आई होप मैं तो ऑब्वियसली फॉलो करूंगा ही, और आप लोग भी ट्राई करना. अगर आप लोगों को कोई भी रिजोल्यूशन आपको वो अच्छा लगा तो आप लोग भी ट्राई करना. स्टूडेंट के लिए मस्ट है कि ये सब ट्राई करना चाहिए अभी से, और अगर ट्राई हम नहीं कर रहे तो आगे में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होने का चांसेस हो सकता है. तो अभी से अगर हैबिट बना लेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा. तो पहला जो हमारे रिलेशन में आपको बताऊंगा, पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, दैट इज लाइक अवॉइड नेगेटिविटी, स्टे पॉजिटिव एंड सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल्स. ठीक है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं पहले से भी ट्राई कर रहा था. बहुत दिन पहले जब ऐसा नहीं हो पा रहा था तो मुझे मेरे जो गुरुजी थे वो मुझे बताया कि ऐसा करो तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, एंड बिलीव मी आप लोग भी ये ट्राई करके देखो, आप लोगों को भी बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा. आप लोगों ने देखा भी होगा मेरा जो भी जितना भी संडे वाणीज भी रहता है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक में मेरा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर रहता है. तो हमेशा सराउंड योर सेल्फ, जितने भी पॉजिटिव सराउंडिंग में आप लोग रहोगे आपका थॉट प्रोसेस वो पॉजिटिवनेस रहेगा, और जितना नेगेटिव पीपल्स आपके दिमाग में या फिर आपके जिंदगी में आ रहे हैं उनको हमेशा अवॉइड करते चलिए. बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म रहते हैं, कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म रहते हैं. तो क्रिटिसिज्म तो रहना चाहिए लाइफ में, बट जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म रहते हैं, जो नेगेटिव पीपल्स के से अराउंड से आते हैं, उसको हमेशा ट्राई करो स्किप करने के लिए. एक कान में लो, एक कान में निकाल दो, और अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहा करो. बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसको कि आप लोगों को डाइवर्ट करने का बहुत सारा चांसेस मिलता है, बट आप लोग आपके गोल में जो भी आप लोग का एम है उसमें पूरा फिक्स होकर रहो, और नेगेटिव जितना बात है उसको स्किप करो, और पॉजिटिव जो आपको लेना है उसको लेकर, और नेगेटिव बात को आपको स्किप करना है. तो हमेशा ये वाला एक फर्स्ट वाला हमारा रिजोल्यूशन रहना चाहिए जिसमें कि हमको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव को हटाना है, एंड आपको सराउंड रहना है, सराउंडिंग आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी हो पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव पीपल्स के साथ ही रहना है, ताकि आप लोग का लाइफ भी बहुत सुधर सकता है. दिस आर पॉइंट नंबर वन. सो पॉइंट नंबर टू में अगर मैंने रखूंगा, पॉइंट नंबर टू में मैं अपना जो मोर फेवरेट होता है ट्रैवल मोर, मतलब ये साल या फिर आप लोग थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, मतलब टाइम बचाओ और ट्रैवल, और मतलब मोर एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस करोगे आपके लाइफ में उतना दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू टू चेंज योर लाइफ. ठीक है ना, पढ़ाई चलता रहेगा, काम 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 चलता रहेगा, उससे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप कहीं एक नया जगह में घूमने जाओ, कहीं पर कुछ एक्सप्लोर करने जाओ, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, और जो एक 6-7 दिन का जो कंटिन्यूसली जो जॉब या फिर स्टडी एनवायरमेंट रहता है उससे एक दिन हम गैप लेके उसको हम इसको यूज करें. ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम यूटिलाइज करेंगे, कुछ टाइम वहां से निकाल के अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, नया नया चीज सीखेंगे, नया नया मतलब जगह को जाके एक्सप्लोर करेंगे, तो वहां पे भी बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगा जो कि नॉर्मली जो हमारा वीक डेज में हमको नहीं मिल पाता. तो ये मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा जिसमें कि मैं ट्रैवल मोर को रखूंगा. थर्ड में मतलब बहुत पहले से ये वाला थॉट प्रोसेस ले आया था, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो स्टूडेंट्स लोग हो आप लोग उसको मतलब एक बेनिफिशियल रूप में लोगे, दैट इज सेविंग इज द की पॉइंट. सेविंग्स अभी से थोड़ा सा अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो बाद में आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ही काम का चीज़ लगेगा. ठीक है, अभी लगता है कि सर उतना हमको नहीं मिल पाता तो कैसे हम उसको सेविंग करें, बट फिर भी जितना भी मिल रहा है उसमें से 50% या फिर 40% या फिर 30% या फिर 20% भी अगर आप सेव कर रहे हो तो वो धीरे धीरे बढ़ के आप लोग का फ्यूचर के टाइम में एक
एक अमाउंट आपके पास रहेगा जो कि इमरजेंसी के टाइम में आप लोग उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकता है जिसमें कि आपका वो जो सेविंग्स वाला अमाउंट है वो वाला इमरजेंसी टाइम में बहुत सारा यूज हो सकता है और बाद में भी एसेट्स के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा जिसमें कि मैं सेविंग को रखूंगा और ये एक रिजोल्यूशन में भी हमको ऐड करना रहेगा ताकि वो हमको धीरे 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 हैबिट बनाना है और हैबिट बनाने से आप लोग को फ्यूचर में भी बहुत सारा एक मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट में अगर रखूंगा मैं फोर्थ पॉइंट को मैं नोट डाउन करके रखा हूँ कि मोर स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर फैमिली और योर नियर एंड डियर वंस। हम ऐसा क्या होता है काम के चक्कर में या फिर अगर हम मतलब काम कर रहे हैं तो काम के चक्कर में हम इतना घुस जाते हैं, अगर हम स्टूडेंट हम पढ़ाई के चक्कर में इतना घुस जाते हैं पढ़ाई काम ये चीज़ को होते होते क्या होता है ना, अगर मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ या फिर मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर घर में रहकर जॉब कर रहा हूँ बाहर रहकर जॉब कर रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है हम इंटरेक्ट बहुत कम कर रहे हैं हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ, मोस्टली हमारे पेरेंट्स के साथ या फिर फैमिली मेंबर के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसे होने से क्या होता है ना, अटैचमेंट जो रहता है वो धीरे धीरे कमता रहता है जो कि बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है सबके लिए, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। इसलिए ये वाला भी एक रिजोल्यूशन में डालेंगे कि इस साल हमको हमारा जो क्वालिटी टाइम है जो भी हम टाइम स्पेंड करें वो जितना भी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसा भी नहीं बोलूँ पूरा ज्यादा, बट थोड़ा ज्यादा हम हमारे फैमिली या फिर हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स हो रिलेटिव्स हो जो भी हो नियर के हमारे उनके साथ थोड़ा शेयर करेंगे ताकि क्वालिटी टाइम आपका भी स्पेंड हो, थॉट प्रोसेस आपका भी पॉजिटिव रहे और उनको भी अच्छा लगे और सारा कुछ आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा जिसमें मैं फैमिली को ज्यादा टाइम दूंगा। और अगर मैं बोलना चाहूँ सेविंग हो गया, हाँ ये फिफ्थ पॉइंट में रहेगा मेरा कि अपना गोल खुद सेट करो। देखो बच्चों गोल हम जो भी रहता है हम अपने से चूज करना ही बेहतर रहेगा, कोई हमारा गोल चूज करेगा उससे अच्छा है कि मैं अपना गोल चूज करके अपना पाथ खुद ही मतलब ट्रैक में जाऊँ, क्योंकि अगर वैसा नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं बट मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, हम चल रहे हैं, हम रस्ते में चल रहे हैं, हम नॉर्मली चल रहे हैं बट हमको कहाँ जाना नहीं जा, सब जहाँ पे जा रहे हैं हम वहीं वहीं उसके उनके पीछे ही भागते जा रहे हैं, बट दैट इज लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर हमको पता है कि मुझे ये रास्ते में जाना है और मैं वही वे में ही जाना चाहे बहुत हर्डल्स हो सकता है उसको पार करके धीरे धीरे जब आप डेस्टिनेशन में पहुंचोगे दैट विल बी मोर मतलब एक पॉजिटिव वाइब सबको देगा कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया था फाइनली मैंने वो जगह में अचीव किया। तो ये एक पॉइंट रहेगा मेरे रिजोल्यूशन पॉइंट में कि सेट योर ओन गोल और उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए धीरे धीरे करो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो भी सराउंडिंग है वो पॉजिटिव पीपल्स के साथ रखो ताकि उन लोगों से बहुत आपको एक्सपीरियंस मिले कि वो लोग क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी वहां से बढ़ेगा। तो ये कुछ पांच पॉइंट है और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये मेरा पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है कि ये है, मैं भी हमेशा करता हूं और हाँ हमेशा आपको भी बोलता रहता हूं कि कीप लर्निंग समथिंग न्यू इन ऑल डे एवरी डे लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी नया सीखो। ऐसा हो सकता है कि हर दिन सीख सकते हो, हर दो दिन में सीख सकते हो, कभी भी टाइम हो सकता है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ एक चीज़ देगा जो कि मुझे पसंद आया मुझे सीखना है तो मैं वो सीखूंगा, तो मुझे वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो को मुझे ऐसा करके बनाना है ताकि और क्वालिटी आएगा तो मैं वो सीखूंगा। तो छोटा छोटा चीज जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया और उसका आपको सीखना है, कैसे सीखना है आप टीचर से सीख सकते हो, आप आपके फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, जहां से आपको यूट्यूब से कहां पर मिल रहा है वहां पर देख सकते हो, बट कुछ नया चीज हमेशा ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, हमेशा सीखने का ट्राई करो, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो वो भी आपको लाइफ का बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब्स देगा, पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, आपका थॉट प्रोसेस को पूरा स्ट्रेट करेगा, माइंड को शार्प करेगा और धीरे धीरे आप लोग देखोगे ये करते करते आपका एक हैबिट बन जाएगा और बहुत ही आपका लाइफ का मतलब हमारा बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ बहुत ही चेंज लगेगा। तो ये कुछ सिक्स पॉइंट्स मैंने आपके लिए लेके आया है और तो ऐसे बोलने में बहुत पॉइंट्स रहेगा बट ये सिक्स कुछ मेन रिजोल्यूशन मेरे लिए रहेगा 2023 के लिए जो कि मैं पर्सनली उसको काम में डालूंगा और मैं होप करूंगा कि आप लोग भी उसको ट्राई करोगे और आपका रिजोल्यूशन क्या क्या रहेगा आप लोग अपने से बनाओ, लिख के रखो उसको डायरी में और हर दिन उसको चेक करोगे क्या क्या रिजल्ट्स है, मुझे उसके लिए क्या करना है, क्या मुझे अचीव करना है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बस लिख देने से भी नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें से कहां कहां से हेल्प मुझे लेना पड़ेगा, कौन मुझे हेल्प कर सकता है और जो हेल्प करेगा उनको क्या चाहिए, ये सारा कुछ एक डिटेल स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर गाइडेंस चाहिए तो आपके टीचर्स आपके फ्रेंड्स आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछो बट एक गोल एक स्ट्रेटेजी बनाओ, विदाउट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होगा। अभी लाइफ जैसा मतलब हैक्टिक होता जा रहा है धीरे 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 अगर ये हैबिट नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही हम लोग का माइंड जो थॉट प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे भटकता जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अभी ऐसा एक स्टेज आ गया कि आपको आपके माइंड को स्टेबल और साफ रखने की कौन क्या बोल रहा है उसको सुनो, बट सबका सुनो बट करो आपका खुद का जो मन है वो, चाहे पढ़ाई हो सकता है चाहे वो डांस हो सकता है चाहे वो सॉन्ग हो सकता है चाहे वो स्टडी हो सकता है, कुछ भी आप जो बेस्ट हो आपको आप में बेस्ट हो वो आपको इफेक्टिव लाना पड़ेगा, आपका पैसन को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल आर दिस पॉइंट्स फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वाला आपको एक पॉजिटिव वाइब्स भी दिया रहेगा और अगर दिया है और आपको कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे भी, बहुत दिन बाद मैंने भी वीडियो बना रहा हूँ तो बोलते बोलते बहुत सारा बोल दिया बट मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये सारा कुछ पॉइंट्स मतलब आप लोग फील कर पाए होंगे। और अगर इसको लेके आज का वीडियो हम एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कीप शेयरिंग कीप लविंग एंड बहुत जल्दी हम लोग 2K फैमिली मेंबर्स में पहुंचने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार लव अफेक्शन दिखाते रहो हमारे मैथ्स ऑन फैमिली के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगा। अभी
आफ्टर कोविड आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा अपने आप को सतर्क रखिए। मैं आशा करता हूँ कि वैसा पिछला वाला सिनेरियो अभी फिर से नहीं देखने को मिले, बट हम लोग अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।